डायबिटीज, शुगर या मधुमेह एक लाइलाज बीमारी है जो बहुत तेजी से दुनिया भर में अपने पांव पसार रही है। भारत में भी करोड़ों लोग इस परेशानी से जूझ रहे हैं। इस बीमारी में लोगों का ब्लड शुगर अनकंट्रोल होने लगता है। अगर इंसान को एक बार ये बीमारी लग जाए तो जहां उसे सारी जिंदगी दवाइयों पर निर्भर रहना पड़ता है, वहीं ये बीमारी इंसान के शरीर को देखते ही देखते खोखला कर देती है। आज इंटरनेशनल डायबिटीज डे पर हम एक ऐसी शख्सियत से मुलाकात करवा रहे हैं जिन्होंने अब तक डायबिटीज के हजारों मरीजों को ठीक किया है। डॉक्टर अनिल भंसाली वो शख्सियत है जो PGI चंडीगढ़ में डायबिटीज डिपार्टमेंट के हेड भी रहे हैं और आजकल एक निजी क्लिनिक में लोगों की सेवा कर रहे हैं। जानते हैं डॉक्टर अनिल भंसाली से कि कैसे हम अपने जीवन शैली को चेंज करके या अपने खान पान को चेंज करके मधुमेह या डायबिटीज से छुटकारा पा सकते हैं। तो आप देखिए भविष्य में कितने लोगों को डायबिटीज होगा और उसको ये कैसे हम लोग या कैसे मेडिकल फ्रेटर्निटी उसकी ठीक कर पाएगी या रोक पाएगी, तो इससे ह्यूज टास्क। अब डायबिटीज बढ़ क्यों रहा है, सबसे बड़ा मुद्दा यही है। हाँ, एक फर्क और है, डायबिटीज अमेरिका वाली डायबिटीज, अमेरिकन लोगों को डायबिटीज, यूरोप वाले लोगों को डायबिटीज और हमारे एशिया वाले लोगों को डायबिटीज इंडिया में करीब 10 से 15 साल पहले होती। यानी अमेरिका में डायबिटीज होती है एवरेज एज 50 से 60 और हमारे देश में हो जाती 30 से 40, 30 से 45। तो जल्दी हो रही है डायबिटीज। तो जब जल्दी डायबिटीज होती है तो आपका जो लाइफ स्पैन है वो कम हो जाता है और दूसरा फिर डायबिटीज से जो होने वाली कॉम्प्लिकेशंस दे बिकम मोर। सो जल्दी डायबिटीज हो, अब क्यों हो रहा है ऐसा वैसा, तो मोटापा बढ़ रहा है और हमारे देश में भी मोटापा बढ़ रहा है, कोविड के बाद ज़्यादा होगा। अदरवाइज लोगों का लाइफस्टाइल इस तरह का हो गया कि हमारा एक सर्वे था, यानी आज से 5 साल पहले चंडीगढ़ में एक सर्वे किया था हमने, तो 20 से 40 साल की उम्र में लोग जो हैं उसमें से 66 यानी 2/3 लोग को एक्सरसाइज दिया। तो यंगर पीपल दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग, मतलब रूटीन, दे जस्ट गो टू ऑफिस, दे कम बैक टू ऑफिस, हैव ए डिनर एंड देन स्लीप। तो इस तरह का जो फिजिकल लाइफस्टाइल है तो वो लाइफस्टाइल से आपका वेट बढ़ेगा और डायबिटीज बढ़ेगा। दूसरा जो सबसे बड़ा कारण चल रहा है, चेंज इन पैटर्न ऑफ फूड। सो सारा जो पैटर्न है, यानी प्रोटीन रिच फूड का जो रिकमेंडेशन है, सो पीपल मोर ईट जंक फूड। तो उस जंक फूड में दे हैव मोर लाइकिंग टू हैव ए मोर फूड विच आर वेरी रिच इन फैट एंड शुगर, सो दे आर ऑल डायबिटीज। तो जितने भी जो होम डिलीवरी वाले हैं, होम डिलीवरी ऑफ फूड, दे आर बेसिकली होम डिलीवरी ऑफ डायबिटीज। तो बिकॉज वो जो खाना लेके आते हैं उसमें चीनी है और उसमें फैट है, तो वो सब इतना क्रीम मलाई जो होता है, डेट ऑल्सो लीड्स टू डायबिटीज। तीसरा कारण स्ट्रेस, अरे कुछ स्ट्रेस भागना पड़ रहा है इधर से उधर, कुछ पैसे के लिए स्ट्रेस, काम के लिए स्ट्रेस, बॉस का स्ट्रेस, सो मेनी प्रॉब्लम विद स्ट्रेस, सो डेट ऑल्सो लीड्स टू डायबिटीज। चौथा है आपका स्लीपिंग पैटर्न, सो स्लीपिंग पैटर्न इज डिस्टर्ब। सारे लोगों का 2 बजे सोते हैं, रात को 12 बजे सोते हैं, तो डेट ऑल्सो लीड्स टू, आपका जो एक बायोलॉजिकल क्लॉक है डेट क्लॉक इज डिस्टर्ब इफ यू डू ऑल द थिंग्स एट ऑड टाइम्स। रात को लोग पीपल आर डूइंग डिनर एट 11 PM विच इज यूजुअली टाइम टू स्लीप और टाइम टू गो स्लीप इवन एट 10 o'clock। तो लोगों ने ये भी स्टडी किया, आप सेम क्वान्टिटी का डिनर 6 बजे करो और रात को 10 बजे करो तो शुगर इज हाई वैन यू डू एट 10 PM। सेम क्वान्टिटी, क्वान्टिटी में कोई चेंज नहीं है, सेम पर्सन है, फिजिकल एक्टिविटी सेम, बट योर शुगर, बिकॉज आपकी जो बॉडी का जो क्लॉक है which regulates your glucose in the body, that is also set at the, आप 6 बजे खाना खाएंगे it will work better, और वही खाना आपने 10 बजे खाया then it will not work better. And lastly the your time on TV or time on this, so what we call as time on screen time, screen time is prolonged. So people are on WhatsApp, people are on laptop, और अभी एक study और आया जिसमें दिखाया ताजा ही इंडिया से स्क्रीन टाइम ऑफ इंडियंस इज हाईएस्ट इन द वर्ल्ड, 6 घंटा उनका एवरेज स्क्रीन टाइम है, लोग लगे रहते हैं मोबाइल पे, लैपटॉप पे, यूट्यूब पे। तो ये सारे जो कारण जब मिल जाते हैं तो फिर वो डायबिटीज है ना, पक्का है।
शुरुआत में क्या कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जिससे हम पता लगा सकते हैं कि डायबिटीज होने वाली है या हो रही है? तो ये क्वेश्चन बड़ा रेलिवेंट है कि सिम्टम्स, और दूसरी बड़ी अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है कि 50% लोगों में हाफ नो सिम्टम्स, वो इसीलिए बीमारी पकड़ में नहीं आती। और इसीलिए डायबिटीज जब आते हैं हमारे पास तो उनकी शुगर 250, 300, 400। तो सिम्टम्स तो यूजुअली होते हैं 3 P's। 3 P का मतलब है पोलियोरिया, पोलीडिप्सिया, पोलीफेजिया, यानी पेशाब बहुत आता है, पानी बहुत पीते हैं और खाना बहुत खाते हैं उसके बावजूद भी वेट घटता है। तो 3 तो ये मेन लक्षण है। उसके अलावा पाँव में जलन, झनझनाहट, सूनापन, कोई घाव का नहीं भरना, पेशाब की जगह खारिश वगैरह, रिकरेंट यूरिनरी इन्फेक्शन, तो यूजुअली लक्षण तो यही है। और 50% लोगों में तो सिम्टम आते हैं और 50% लोगों में दे आर एसिम्टोमेटिक। इसलिए एक एनुअल स्क्रीनिंग प्रोग्राम होता है डायबिटीज के लिए ताकि आप पकड़ सको। तो पहले था उम्र 40 साल के बाद आप शुरू करो। अभी वन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी इंसिस्ट किया है कि 30 साल की उम्र के बाद हर साल डू स्क्रीनिंग। तो एक साल में एक बार अपनी फास्टिंग शुगर, 3 महीने वाला HbA1c, कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर ये नापाई, तो उसी से आप काफी बीमारियां पकड़ लेंगे। और ये उनके लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है जिनके घर में डायबिटीज है और जो मोटे हैं, तो जिनका लाइफ स्टाइल बड़ा सेडेंटरी है। और इसीलिए अब आप मेन जो मुद्दा आ रहा है कि इतनी बड़ी बर्डन हमारे देश में है, यानी थोड़े दिनों में डॉक्टर्स, नर्सेस ये सब कम हो जाएंगे हमारे मरीजों की संख्या को देखते हुए, तो सारा फोकस हमें अपना बनाना है कि हम डायबिटीज, यानी होने के बाद इलाज करेंगे तो कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, उसको रोके हम तो। रोकने के लिए पूरे देश में एक तो इस तरह के सेमिनार्स हों, कन्वर्सेशन हो, सोशल मीडिया का यूज़ हो, तो देन मोर एंड मोर पीपल कैन बी एजुकेटेड। एनुअल स्क्रीनिंग शुड बी मैंडेटरी, एवरीवन शुड गेट ए एनुअल स्क्रीनिंग। और सबको एक मैसेज दे कि भाई एटलीस्ट यू डू 10,000 स्टेप्स डेली। ये जो कंसेप्ट चला अभी 10,000 स्टेप आप रोज पूरा करिए, दैट्स अ गुड कंसेप्ट। Even if you do 10,000 steps a day. तेरी क्वेश्चन की डायबिटीज की वजह से हार्ट अटैक का रिस्क भी बढ़ जाता है, तो उसके लिए हमें क्या एहतियात बरतनी चाहिए? So diabetes से, diabetes is only disease which affects every organ of the body. पहले ये मानते थे कि डायबिटीज से खाली हार्ट किडनी ही जाता है, पर उससे हार्ट किडनी, नर्व्स, आईज एंड नाउ लिवर एंड नाउ इवन से ब्रेन आल्सो। तो जो डिमेंशिया वाला बीमारी है एल्जीमर्स डिजीज, दैट इज 3-fold हायर इन पीपल विद डायबिटीज एज अपोज टू नॉन डायबिटीज। तो इसका मतलब है कि ब्रेन के अंदर भी इस अनकंट्रोल्ड डायबिटीज का नुकसान होता है। अब बचा हार्ट अटैक से कैसे बचा जाए, तो हार्ट अटैक से कैसे बचा जाए, तो सबसे पहले हार्ट अटैक के भी रिस्क फैक्टर वही हैं जो डायबिटीज के, वेट, चेंज इन लाइफस्टाइल, स्लीप पैटर्न, और एक वो भी है रात को जिनको खराटे बहुत आते हैं, दे आर ऑल्सो वेरी प्रोन फॉर द हार्ट अटैक। तो टेक केयर ऑफ दैट पार्ट, कंजम्पशन ऑफ मोर फ्रूट्स एंड ग्रीन वेजिटेबल्स एंड रेगुलर एक्सरसाइज। यदि एक्सरसाइज को 10,000 स्टेप्स भी नहीं करता तो एटलीस्ट वी से 45 मिनट्स ब्रिस्क वॉक 6 days इन अ वीक, सो दैट इज गुड। एंड यदि कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है देन यू शुड ट्रीट कोलेस्ट्रॉल। से कुछ जो पेशेंट्स होते हैं डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उनको डायबिटीज उनकी नॉर्मल रहती है, बट फिर भी वो इंसुलिन लगभग इंजेक्शन लगाते हैं, तो क्या वो सही है या वो गलत है इस चीज को? इंसुलिन नहीं, यदि इंसुलिन किसी ने शुरू किया है तो डेफिनेटली वो डायबिटीज खराब होगी। यदि बिना किसी की शुगर ठीक है और फिर इंसुलिन लगाया है तो वो तो मेरे ख्याल से ऐसा नहीं होता। जिनका शुगर खराब है, जिनकी फास्टिंग शुगर सपोज इट क्रॉसेस अराउंड 200-250, खाने के बाद वाले 250-300 भी शुगर आती है, तो ऐसे लोगों को इंसुलिन की जरूरत पड़ती है। तो उस लोगों में उनको इंसुलिन देते हैं हम शुरू में, और इंसुलिन के बाद जब एक बार ठीक हो जाती है देन वी ट्राई टू विदड्रॉ। बट सपोज यदि उनका रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, ज़्यादा का मतलब है लगभग हम कहते हैं कि 1 unit per kg बढ़ गई, कोई 60 किलो का 60 unit इंसुलिन लगा रहा है, इट इज अनेबल टू विदड्रॉ। तो इंसुलिन लग रही है किसी को, इसका मतलब ये है कि उसके शरीर में इंसुलिन है, तो आप उसको इंसुलिन की जरूरत है, इसलिए इंसुलिन, अदरवाइज वो हाइपोग्लाइसिमिया हो गया। तो जिनको चल रही है वो, हाँ उसको फिर मॉड्यूलेट करते हैं। अब जैसे आपने खाना नहीं खाया तो इंसुलिन की डोज कम, एक्सरसाइज बहुत किया तो इंसुलिन की डोज कम, खाना ज़्यादा खाया तो इंसुलिन की डोज ज़्यादा। और किसी को यदि इंसुलिन चल रहा है तो मतलब वो बिना कारण के शुगर खराब होगी जब भी शुरू की।
सिर्फ लास्ट की जिन लोगों को डायबिटीज है उन लोगों को उनकी डायबिटीज कंट्रोल में रहे इसके लिए उनको क्या क्या चीजें करनी चाहिए? फूड जैसे फ्रूट्स खाने चाहिए, मीठी चीजें को चीजों का कितना सेवन, जूस जूस बिल्कुल बंद, अवॉइड ऑल जूसेस. देन सेकेंडली दे शुड ऑल्सो अवॉइड द सिंपल शुगर्स लाइक मिठाई स्वीट्स, कोशिश करें अवॉइड करें, या खाएं तो बहुत बड़ा ओकेजन, अदरवाइज अवॉइड करें. मोर फोकस शुड बी ऑन प्रोटीन्स, मोर फोकस शुड बी ऑन fruits and vegetables, at least 3 servings of fruits and 2 servings of vegetables. Then they should do regular exercise, they should ensure they should sleep early and they should get up early, and try to avoid the stress, take the stress away with some meditations and all. And even they say walking is a very good exercise for relieving the stress, it is called as a stress buster. So take these precautions. So I think if you take these precautions, then you can prevent even diabetes. So दोस्तों जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि हम अपनी लाइफस्टाइल या खानपान में सुधार करके इस नामुराद बीमारी से बच सकते हैं. अगर बाय चांस आप इस नामुराद बीमारी से जूझ रहे हैं तो डॉक्टर साहब की राय सुनकर आप अपने लाइफस्टाइल में सुधार लाकर इस बीमारी से अपने आप को मुक्त करवा सकते हैं. ऐसी तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए अर्थ प्रकाश न्यूज़.